ASAR passing Wagah Border Officer as a protocol officer यहाँ पे posted हूँ। तो सर कितने लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, कहाँ से आए? एक्चुअली ये पाक नागरिक थे जो इधर पुलिस ऑफिशियल के तौर पे काम करते हैं हमारी एम्बेसी में इधर दिल्ली, हाई कमीशन ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया, 50% स्टाफ कम करने के लिए बोला था दोनों देशों की तरफ से। तो एज पर जो हमारे पास रिकॉर्ड है 143% जो पाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली से मूव करके इधर पहुंच चुके हैं। 10 बजे हमारी इमिग्रेशन ऑफिस खुल रहा है तो इनको पाकिस्तान निकाला जाएगा। ASAR passing Wagah Border Officer as a protocol officer यहाँ पे posted हूँ। तो सर कितने लोग पाकिस्तान जा रहे हैं? एक्चुअली ये पाक नागरिक थे जो इधर पुलिस ऑफिशियल के तौर पे काम करते हैं हमारी एम्बेसी में इधर दिल्ली, हाई कमीशन ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया, 50% स्टाफ कम करने के लिए बोला था दोनों देशों की तरफ से। तो एज पर जो हमारे पास रिकॉर्ड है 143% जो पाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली से मूव करके इधर पहुंच चुके हैं। 10 बजे हमारी इमिग्रेशन ऑफिस खुल रहा है तो इनको पाकिस्तान निकाला जाएगा। ASAR passing Wagah Border Officer एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो सर कितने लोग पाकिस्तान जा रहे हैं? एक्चुअली ये पाक नागरिक थे जो इधर पुलिस ऑफिशियल के तौर पर काम करते हैं हमारी एम्बेसी में इधर दिल्ली, हाई कमीशन ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने क्या किया, 50% स्टाफ कम करने के लिए बोला था दोनों देशों की तरफ से। तो एज पर जो हमारे पास रिकॉर्ड है 143% जो पाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली से मूव करके इधर पहुंच चुके हैं। 10 बजे हमारी इमिग्रेशन ऑफिस खुल रहा है तो इनको पाकिस्तान निकाला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।